हेलो, गुड मॉर्निंग. कैसे हैं आप सभी? आज हम पॉलिटी में नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे, लेसन टू, जो सीटेट के लिए, सीटेट पेपर टू के लिए सोशल साइंस हम पढ़ रहे थे. तो लेसन टू पढ़ेंगे, विविधता व भेदभाव किसे कहते हैं. संसार में 8 मुख्य धर्म होते हैं. भारत में उन 8 धर्मों को अनुयायी या मानने वाले रहते हैं. मतलब कि हमारा जो देश है, इसमें सभी धर्मों के रहते हैं इंडिया में, और वो उनको मानते भी हैं. ये हमारे यहाँ पर भारत में 16,000 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, जो कि लोगों की मातृभाषाएं हैं. यहाँ 100 से ज़्यादा तरह के नृत्य भी किए जाते हैं. विविधता, विविधता या भेदभाव से कहते हैं. विविधता यानी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें, जैसे इंडिया में बहुत तरह के लोग होते हैं, ये विविधता पाई जाती है. विभिन्न धर्म के लोग हैं तो धर्मों में विविधता, खान पान को लेके, खान पान में विविधता पाई जाती है. पूर्वाग्रह, जब हम किसी के बारे में पहले से ही कोई राय बना लेते हैं तो उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है. ज़्यादातर यह राय नकारात्मक होती है. किसी के बारे में पूर्वाग्रह को बायस कहते हैं. जैसे लैगिंग पूर्वाग्रह, जेंडर बायस, बायस माने भेदभाव करना, डिस्क्रिमिनेशन. जैसे लोगों को आलसी, चालाक या कंजूस मानना भी एक तरह का पूर्वाग्रह है. या जैसे कि मेल फीमेल में, कि मेल है वो अच्छा काम कर सकते हैं, गाड़ी अच्छी ड्राइव कर सकते हैं, हम ये सोचते हैं, लेकिन ये पूर्वाग्रह है. बहुत सी लड़कियाँ और लेडीज़ हैं वो भी काफ़ी अच्छी ड्राइव कर सकते हैं गाड़ियों को. जैसे लोगों को आलसी, चालाक, कंजूस मानना भी एक पूर्वाग्रह है. किसी भाषा का अच्छा ना समझना, यह भी एक प्रकार का पूर्वाग्रह है. हम किसी अपने आप को ही एक अच्छा मानते हैं दूसरे की भाषा से, और उसके कास्ट से, रीजन से, और जो उसका रिलीजियन है, फेस से, कलर से, हम ये सब चीज़ें डिनोट करते हैं और हम उसको समझते हैं. जैसे कि कोई फेयर कलर है तो वो अच्छा है इंसान, जिसका फेयरनेस कम है वो गंदा है. तो ये हमारी पूर्वाग्रह है, हमारे धारणा जो हमने अपने मन में बना रखी है. किसी भाषा का अच्छा ना समझना, यह भी एक प्रकार का पूर्वाग्रह है. हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रह ही हो सकते हैं. जैसे लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी स्किन का कलर, जिस क्षेत्र से वे आते हैं, जिस तरह से वे बोलते हैं, जैसे कपड़े वे पहनते हैं इत्यादि. जैसे कि नॉर्थ भारत का, नॉर्थ साइड का, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मिज़ोरम, ये सब है. इनको हम थोड़ा सा अलग मानते हैं उनको. जैसे इंडिया में, जैसे इंडिया है हमारे, दिल्ली है, दिल्ली में आसपास के यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इन सबको हम अपना मानते हैं. लेकिन जो अलग, थोड़ा सा जहाँ का रीजन चेंज हो जाता है, उसको हम थोड़ा सा अलग समझते हैं, उसको उसके पहनावे के हिसाब से. जैसे साउथ में, साउथ में का पहनावा, खाना पीना अलग है, और नॉर्थ है वहाँ का अलग है. रूढ़िबद्ध धारणाएँ, जब हम सभी लोगों की एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, तो उसे रूढ़िबद्ध धारणाएं कहते हैं. कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ समझते हैं, तो ऐसा दरअसल उनमें बारे में एक पक्की धारणा होती है. रूढ़िबद्ध धारणा वो होती है, एक तरह से हम किसी के बारे में फिक्स मान लेना कि वो इंसान गलत है, चाहे वो हो चाहे ना हो, लेकिन हम अपने मन में मान लेते हैं कि वो इंसान या वो काम या कोई जगह वो सही नहीं है. असमानता व भेदभाव, भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं. आप लोगों के को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं. अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग देने से रोकते हैं, या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, एक ही कुएं या हैडपम्प में पानी नहीं लेने देते, या दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए गए कप या गिलास से चाय नहीं पीते या पीने नहीं देते अपने कप में, तो इसका ये भी एक तरह सा भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, तो ये भी एक तरह का भेदभाव होता है जो हमें नहीं करना चाहिए. डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इनका जो इनका बर्थ है 1891 में हुआ था, और इन एक्सपायर हुए थे 1956 में. इनका यहाँ तक का टाइम पीरियड है इनका. भारतीय संविधान के पिता, दलितों के
सबसे बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने दलित समुदाय के अधिकारों की लड़ाई लड़ी। उनका जन्म महार जाति के में हुआ था, जो एक नीची जाति समझी जाती थी, जो अछूत मानी जाती थी। महार जाति के लोग गरीब होते थे। ये लोग गांव के बाहर रहते थे, उन्हें गांव में रहने की इजाज़त नहीं थी। वह अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की तथा बच्चों को पढ़ने लिखने व नौकरी करने के लिए प्रेरित किया, तभी ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाएँ। जो भीमराव अंबेडकर थे वो एक दलित थे और बिल्कुल गरीब परिवार से थे, और उनको एक बार नीचा दिखाने के लिए उनको उस समय उच्च वर्ग के लोगों ने उनको काम देने के लिए और उठने बैठने के लिए मना कर दिया। तब उन्होंने ठानी कि मैं एक पढ़ लिख कर एक अच्छा नागरिक बनूंगा। तो उन्होंने पढ़े लिखे, वो फिर उनको ने लॉ की पढ़ाई करी। लॉ की पढ़ाई के बाद उन्होंने भारत का संविधान लिखा। भारत का संविधान किसने लिखा है? भीमराव अंबेडकर जी ने। तो आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।